जय हिंद। भले ही आपके हाथों की लकीरें आपका साथ नहीं दे, मगर जो आपकी मेहनत है ना दोस्तों, वो आपका जरूर साथ निभाएगी। इसीलिए दोस्तों आप मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, आपको एक दिन यकीनन सफलता मिलेगी। दोस्तों आप में से एक कमेंट मुझे आया था, आप देख सकते हो, इसमें ये भाई पूछ रहा है कि मेरी उंगली के बीच में गांठ हो गई है तो क्या मुझे इंडियन आर्मी के मेडिकल में पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसी कमेंट के आधार पर मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपकी यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है ना दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, शायद मेरी नॉलेज जितनी है आपको इंडियन आर्मी के मेडिकल में पॉइंट दिया जा सकता है, रेफर दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अलग अलग सिचुएशन देखी जाती है कि गांठ किस चीज़ की है। दोस्तों डॉक्टर देख के पता लगा लेता है कि गांठ ये ऊपरी हिस्से में है, अंदरूनी हिस्से में है, इसके शरीर को डैमेज करने वाली है, या फिर ये गांठ मिट जाएगी। सब चीज़ों के बारे में वो पता लगा लेते हैं, उसके बाद ही वो रेफर देते हैं, पॉइंट देते हैं। कभी भी दोस्तों इंडियन आर्मी के डॉक्टर आपको बेवजह बाहर नहीं निकालते हैं, कोई ठोस कारण होता है तभी आपको बाहर निकाला जाता है। दोस्तों इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आपकी यहाँ पे गांठ हो रही है तो दोस्तों आप पहले अपनी गांठ का इलाज करवा लें जितना हो सके। दोस्तों आपकी गांठ का एक बार इलाज हो गया तो फिर आप कोई टेंशन नहीं है, जाइए इंडियन आर्मी की रेली भर्ती में, रेली भर्ती को फाइट कीजिए, उसके बाद मेडिकल को फाइट कीजिए, रिटर्न एग्जाम को फाइट करते हुए आर्मी की जॉब लगिए। दोस्तों मेरे हिसाब से ये छोटा सा लेकिन इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।